अभी जो हम इससे अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के ऊपर है। तो अभी तक हमने मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू नहीं पढ़ा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के ऊपर है, तो हम पहले उसका पहले इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? और वैसे भी ये जो मल्टी लेवल क्यू मल्टी लेवल फीडबैक क्यू होते हैं, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं ना ज्यादातर वो होते हैं हमारे थ्योरिटिकल टाइप के, इसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप के नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर कोई करने बैठेगा तो कम से कम 20 मिनट लगेगा इसको करने में, इसीलिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे पूछा नहीं जाता है एज ए न्यूमेरिकल, इसे ज्यादातर एज ए थ्योरी पूछा जाता है, एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा जाता है, ठीक है? तो हम पढ़ लेते हैं मल्टी लेवल क्यू क्या होता है और मल्टी लेवल फीडबैक क्यों क्या होता है, ठीक है? तो अभी तक जो हमारा था क्या था, हमारा एक रेडी का हम रेडी क्यू बना देते थे, एक पूल होता था जिसके अंदर हमारे सारे प्रोसेस आ जाते थे, फिर उसमें से एक एक करके सीपीयू की शेड्यूलिंग होकर रनिंग में चले जाते थे सीपीयू में, ठीक है? जो हमारा रेडी क्यू था उसके अंदर क्या होता था कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस आते थे उन सबके ऊपर हम एक ही सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा रहे होते थे, ठीक है? और जबकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरह के हमारे प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, एक होता है जो फोरग्राउंड में काम कर रहा होता है। जैसे कि जो फोरग्राउंड में जो काम कर रहा होता है वो यूजर से बहुत ज्यादा ही इंटरेक्टिव हो रहा होता है, ठीक है? जैसे कि सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो, तो यानी कि आप यूजर हो और वो सिस्टम है, वो आपसे बार बार इनपुट ले रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है? तो आपसे बहुत यूजर से इंटरेक्टिव है, तो वो फोरग्राउंड के अंदर आएगा। और वो जो प्रोसेस होंगे जैसे कि जिसके अंदर एक बार इनपुट दे दिया, अब वो अपना एग्जीक्यूट करके आखिरी में आपको रिजल्ट दे देगा, वो हमारे बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है? तो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, ओके? तो अभी हमारा क्या है कि इस हमारा इसके अंदर मल्टी लेवल क्यू के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रेडी है ना, रेडी का जो पूल है उसको हम बहुत उस मल्टी लेवल जो रेडी क्यू है उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? उसको मल्टीपल यानी कि ऐसे होल नहीं लेते हम, अभी तक क्या कर रहे थे, एक रेडी क्यू को ऐसे होल ले रहे थे, उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे थे उसको सबको एक ही सीपीयू शेड्यूलिंग लगा दे रहे थे, ठीक है? और जब हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं तो उनके ऊपर कुछ अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग लगनी चाहिए ना, कि जो जो कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग किस वाले टाइप के प्रोसेस में अच्छा लगेगा, यानी कि जो अच्छा प्रोसेस वर्क करेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अपने जो रेडी अभी तक हमारा जो रेडी क्यू था ना वो सिंगल चलता था, अब हम उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, मल्टीपल लेवल्स बना देंगे उसके। जैसे कि हमने एक लेवल बना दिया अपना, ये हमारा एक रेडी क्यू है, ठीक है? यानी ये एक रेडी क्यू का एक पार्ट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ले रहा है हमारा, इसके अंदर हमारे सिस्टम प्रोसेसेस आ रहे हैं सारे, ठीक है? सिस्टम प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जो सीपीयू के अंदर सीपीयू के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं वो, ठीक है? ये क्या हो रहा है, ये हमारा सीपीयू, सीपीयू का मतलब ये हमारा समझ लो कि रेडी है, ये पूरा हमारा रेडी पूल है और ये हमारा रनिंग पूल है, यानी कि रनिंग क्या होता है सीपीयू, और ये हमारा क्या है दूसरा हम लोग लेते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है? तीसरा ले लेते हैं हम अपने बैच प्रोसेसेस, बैच प्रोसेसेस, ठीक है? ओके, तो ये जो है हमारे रेडी पूल, रेडी अब ये हमारे क्या होता है, जितने भी रेडी पूल था ना हमारा उसको हमने डिवाइड कर दिया एक एक, और अब जी क्या होगा कि जितने ही प्रोसेस होंगे ना सिर्फ एक एक सिंगल रेडी पूल के अंदर नहीं आके बैठेंगे, अब वो प्रोसेस को हम डिवाइड कर देंगे उनकी कैटेगरीज के हिसाब से कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम प्रोसेस है, कौन कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस इकट्ठे कर लेंगे हम जो कि यूजर के लिए यूजर से कम्युनिकेट करते रहेंगे कि हम बैक टू बैक, तो उनको हम क्या करेंगे इंटरेक्टिव प्रोसेस के उसमें डाल देंगे, अगर बैच ऑफ कुछ प्रोसेस आया सिमिलर टाइप है तो बैच प्रोसेस के अंदर डाल देंगे उसको, ठीक है? ऐसे करके तो ऐसे भी हमारे पास और बहुत सारी हमारी कैटेगरीज होंगी, जैसे कि हमने एक सपोज करो एक हमने वो बना दिया टीचर्स के लिए प्रोसेस बना दिया कि टीचर्स ने जो जो प्रोसेस दिए हैं वो सारे के सारे ये प्रोसेस है, ओके? तो इस तरीके से मल्टीपल हो सकता है, तो मल्टी लेवल क्यू है कि अब हमारा सिंगल एक एक रेडी क्यू नहीं है, उसको हमने डिवाइड करके बहुत सारे वो कर दिया। अब बात यह है कि इसको करना है क्या है, हमारे को जो पहले हमारे रेडी क्यू में क्या लगता था, एक हमारे पूरे रेडी क्यू में एक एल्गोरिथम लगा लेते थे, अब ये होगा कि जैसे कि हमारा सिस्टम प्रोसेस है, इसके लिए सिस्टम प्रोसेस के लिए कौन सी हमारी एल्गोरिथम अच्छी बैठती है, ठीक है? उस हिसाब से करेंगे, सपोज करो कि इसके लिए हमारी राउंड रॉबिन अच्छी है, ठीक है? कि सबको हमारे को टाइम क्वांटम प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ टाइम तक, ठीक है? या फिर हम कह लेते हैं कि चलो यहाँ पे हमारी सबसे बढ़िया जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ठीक है? और इंटरेक्टिव के लिए कह देते हैं कि हमको प्रीएम्पशन की जरूरत पड़ है और जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन हो, तो इसको हम राउंड रॉबिन पकड़ा देते हैं, ठीक है?
कि सारे प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े, एक टाइम कॉल पकड़ा दिया, सबका नंबर आता रहे। ओके, ये कुछ बैच प्रोसेसेस के हैं, तो इसके अंदर हम दे देते हैं भाई, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम करेगा, और ये जो टीचर्स वाला है ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर ये होगा कि जैसे कि ये जो सिस्टम प्रोसेसेस है तो इनको सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं। ठीक है, और ये जो इंटरेक्टिव है उससे थोड़ा कम मिलेगा, उससे इसके नीचे वाले को, और जो टीचर्स है उनको सब उनकी प्रोसेसेस को सबसे लो प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, लो प्रायोरिटी मिलेगी, और इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबको अपनी अपनी एल्गोरिथम्स मिल गई है। अब सारे के सारे, जैसे कि पहले हमारा क्या था, एक पूरा एक सिंगल एक रेडी होता था, उसमें से पूरे रेडी के ऊपर एक सिंगल एक एल्गोरिथम लगती थी और सीपीयू शेड्यूलिंग होकर एक एक को हम उठाते थे। अब हमारा एक अलग अलग ये बन गया जिसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम्स लगी हुई है। ओके, अब क्या है कि हमारे पास सपोज करो कि इस वाले प्रोसेस के सिस्टम प्रोसेस के अंदर प्रोसेस P1, P2 और P3 है, इसके अंदर P4, P5, P6 है, इसके अंदर P7, P8 है, और इसके अंदर P9 एंड P10, ये सारे प्रोसेस है। इसमें यह है कि इसके अंदर यह है कि सबसे पहले जब ये हमारा हाई प्रायोरिटी वाला, जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट, ये अभी इसकी बात कर रहा हूँ मल्टी लेवल क्यू की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ये शुरू हुए इसी वाले प्रोसेस के सिस्टम प्रोसेस के अंदर, जितने भी प्रोसेस आकर के बैठे हैं इस क्यू के अंदर, सिस्टम प्रोसेस की क्यू के अंदर, जब तक वो सारे सारे प्रोसेस शेड्यूल नहीं हो जाएंगे, वो नहीं हो जाएगा सीपीयू शेड्यूल होकर सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हमारे दूसरे वालों का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, जब ये पहला दूसरा तीसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर इसका नंबर आएगा। ठीक है, या फिर ये प्रीएम्प्ट हो जाए, फिर कहीं आयो करने चले जाए, यानी जब इनकी वर्किंग एक बार खत्म हो जाएगी तब इनका नंबर आएगा। उसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पता है ना, हाई प्रायोरिटी वाले को पहले मिलेगा, जब हाई प्रायोरिटी पूरी खत्म हो जाएगी उसके नीचे प्रायोरिटी वाले को मिलेगा, फिर उसके नीचे प्रायोरिटी वाले को मिलेगा, फिर उससे नीचे वाले प्रायोरिटी वाले को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें के अंदर क्या है कि स्टार्वेशन है, ये बेचारा इसकी लो प्रायोरिटी है तो ये स्टार्व करता रहेगा बहुत देर तक। क्या है इसके अंदर, हमारा स्टार्वेशन है, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है कि जो सबसे बेचारा आखिरी में जो प्रोसेस है वो स्टार्व करता रहेगा सीपीयू के लिए, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी वाले लेते रहेंगे कि सपोज करो कि इसका नंबर आया। ठीक है, इसका यहां तक कंप्लीट हो गया, अब हमारा P9 का नंबर आ गया, ये बेचारा P9 कुछ टाइम तक चला ही था जब तक ये वापस हो गया, ये कुछ आयो करने गया था प्रीएम्प्ट होकर के, फिर ये वापस आ गया, फिर इसको पकड़ा दिया, जब तक और वापस आ गया, ये बेचारे नीचे के सारे स्टार्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हमारी स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर क्या हुआ कि हमारा जो स्टार्वेशन स्टार्व कर रहा है ना, ये स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम ये भी चेक करेंगे कौन ज्यादा देर वेट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा वेट कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रमोट कर देंगे ऊपर वाले लेवल पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे फिर उसने कुछ टाइम उसने ऊपर के हमारे एग्जीक्यूट होते गए, ठीक है, और इसका कुछ टाइम एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि इतने टाइम के अंदर किसी ने वेट कर लिया तो हम उसको ऊपर प्रमोट कर देंगे। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ने यहाँ पे उतने टाइम के लिए फिर यहाँ पे वेट कर लिया तो उस प्रोसेस को ऊपर प्रमोट कर देंगे, फिर उसको ऊपर प्रमोट कर देंगे। ऐसा होता है हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मल्टी लेवल क्यू के अंदर क्या प्रॉब्लम है हमारी स्टार्वेशन की, इसको इसकी स्टार्वेशन का सोल्यूशन क्या निकाला हमने कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू लाएंगे हम। उसके अंदर क्या होगा कि हम प्रमोट करेंगे प्रोसेसेस को उनके वेटिंग टाइम के हिसाब से, जो ज्यादा वेट करेगा उसको हम फिर प्रमोट कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए हमने करा ऐसे कि ये हमारा ऐसे है, ऐसे प्रोसेस आ रहा है। ओके, तो यहां से एक ऐसे निकल करके इसके अंदर आया, ठीक है, फिर एक यहां से ऐसे निकल करके इसके अंदर ऐसे आया। ठीक है, इसके अंदर सपोज करो कि यहां पे राउंड रोबिन लग रही है अपनी, यहां पे राउंड रोबिन लग रही है, यहाँ पे अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लग रही है। ठीक है, इसका टाइम क्वांटम हमने 10 ले लिया, इसका टाइम क्वांटम हमने 15 ले लिया। ओके, और अभी हमारे ले लेते हैं कि कोई एक हमारा वो आया हुआ है, हमारा जो बस्ट टाइम है किसी एक प्रोसेस का, हमारा किसी एक प्रोसेस का बस्ट टाइम है 25। ठीक है, वो प्रोसेस आया अपना सबसे पहले यहाँ पे आया वो अपना काम करने के लिए। ठीक है, 25 में से यहाँ पे टाइम क्वांटम पहले वाले का कितना था, 10 था, तो उसने 10 तक काम किया, फिर वो क्या हो गया हमारा, ये काम करने के बाद उसको हमने नीचे डिमोट कर दिया, वो यानी कि हम अपने प्रोसेस को प्रमोट भी करते हैं और फिर डिमोट भी कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रमोट हुआ, यहाँ पे इसने अपना 10 टाइम क्वांटम चल दिया, फिर उसको हमने डिमोट कर दिया इस वाले के अंदर, इस वाले क्यू के अंदर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसने अपना 15 चला, कट के 0 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपना कंप्लीट हुआ यहाँ से वो एग्जिट हो गया हमारा प्रोसेस। ठीक है, कोई एक प्रोसेस आया उसका 35 है,
बस टाइम, ठीक है। तो उसने अपना 10 यहाँ पे कंप्लीट किया, बचा 25, उसने 15 अपना यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है, बचा 10। फिर वो नीचे आकर के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में उसने अपना 10 कंप्लीट किया, फिर यहाँ से आकर के वो निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यों होता है कि हम नीचे हम इसको डिमोट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमारा ये नहीं है कि कोई हमारा स्टार्व करेगा, प्रोसेस स्टार्वेशन की हमने इसके अंदर प्रॉब्लम खत्म कर दी कि हम किसी एक वेटिंग इसको हम प्रोसेसेस को हम प्रमोट भी कर दे रहे हैं कि उसको जल्दी सीपीयू मिल जाए, और किसी को सीपीयू मिल चुका है पहले तो हम उसको डिमोट भी कर ले रहे हैं कि थोड़ी देर वेट कर दूसरे जो हमारे स्टार्व कर रहे हैं उनको पहले सीपीयू मिल जाए। तो ये तो हमारा है मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं और इसके अंदर ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ओके।